केदारनाथ मंदिर के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में हक हकूकों को लेकर चल रहे विवाद के बीच केदारनाथ मंदिर के रावल भीमा शंकर लिंग ने एक विवादास्पद बयान दे दिया, जिसकी चौतरफा आलोचना भी की जा रही है। दरअसल केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में पिछले महीने कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा मंदिर में ताम्रपत्र रखे जाने के बाद मंदिर पर हक हकूकों की जंग छिड़ गई। ताम्रपत्रों के जरिए ओंकारेश्वर मंदिर पर कई गांवों के हक हकूकों का हवाला दिया गया। वहीं केदारनाथ की डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में अब आ रही है। ऐसे में भले ही कल रात विवाद बढ़ता देख प्रशासन ने आनन फानन में मंदिर में रखे गए सभी ताम्रपत्रों को हटा दिया हो, लेकिन केदारनाथ के रावल भीमा शंकर लिंग ने जो विवादित बयान दिया उसकी भी चौतरफा आलोचना की जा रही है। दरअसल रावल भीमा शंकर लिंग ने कहा था कि अगर प्रशासन ताम्रपत्रों को नहीं हटाता तो वो केदारनाथ की पंचमुखी डोली को मंदिर में प्रवेश करने नहीं देंगे। ऐसे में लोग सवाल उठाने लगे कि आखिर जिस भीमा शंकर लिंग के पास पूरी केदारनाथ मंदिर की जिम्मेदारी है, क्या वो भगवान केदारनाथ से बड़े हो सकते हैं? शुद्धिकरण किया जाएगा, नहीं हुआ तो मंदिर में मठ में जो केदारनाथ जी का डोली और रास्ते द्वार पर ही खड़ी होगा, जब तक इसका शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक का बिठाने के लिए वो कोई इसका हमने अनुमति नहीं दी। हालांकि अब ताम्रपत्रों को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। उधर मंदिर के अंदर ताम्रपत्र रखने वालों के खिलाफ पिछले महीने ही बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने पुलिस में एक नामजद रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने भी इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब देखना ये है कि हक हकूकों की इस लड़ाई में नया मोड़ क्या आता है। संवाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।